हेलो एवरीवन, दिल्ली किचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ऑयल फ्री चने की सब्जी। तो ये चना है 1 कप, इसको भिगा दिए थे 5-6 घंटे पहले, ये भीग गया है अच्छे से। अब इसको बॉईल कर लेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे इसके बराबर, चने के बराबर ही, और इसको धो भी सर फुल में लेके और फिर सीम कर देंगे गैस को 5 मिनट के लिए। इसको चढ़ा देते हैं, ये चने उबल गए हैं, देख लेते हैं इसको खोल के। देखिए अब इसको फ्राई करेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे मसाले को। तो 2 खड़ी मिर्च लाल वाली और ये 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा धनिया के बीज हैं और ये 2 लौंग, 5-6 काली मिर्च। इसको ड्राई रोस्ट कर लिए ना, ठंडा हो गया, ये तो ग्राइंड कर लेते हैं, हल्का सा रोस्ट करना बस। इधर एक पैन रख दिए हैं, ये पैन गरम हो गया, इसमें जीरा डाल देंगे, हल्का सा जीरा भून गया है, ये जीरा रोस्ट हो गया है। अब इसमें ये 3 टमाटर की प्यूरी है, इसको ग्राइंड कर लिए हैं, अब इसको इसमें डाल लेंगे और इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसको ये टमाटर में मसाले डाल लेते हैं और भूनता रहेगा वो। 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर है, नमक चने में डाला हुआ है बॉईल करते समय, तो सिर्फ इसके हिसाब से थोड़ा नमक डालेंगे। थोड़े से हल्दी का पाउडर, थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च है और ये अमचूर का पाउडर है, ये कसूरी मेथी, 1 पिंच हींग डाल लेते हैं। और ये जो ड्राई रोस्ट करे मसाले अभी, उसको मोटा मोटा ग्राइंड किए, ये डाल लेते हैं। इसका पानी पूरा सूख जाएगा, इतना सेकना है इसको अच्छे से। देखिए मसाला सिक गया एकदम अच्छे से, तब इसमें ये चने डाल लेंगे और इसको कम से कम 10 मिनट बॉईल होने देंगे। इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, जरूरत हो तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं इसमें, अभी तो नहीं डाल रही हूँ मैं, देखेंगे बाद में, इसको ढक देती हूँ। देखिए चने हो गए हैं, अब इसमें हरी धनिया थोड़ी सी डाल लेते हैं, अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए ये चने रेडी हो गए हैं, कोई बोलेगा कि बिना ऑयल का है, एक बूंद भी ऑयल नहीं है इसमें, ऑयल फ्री है एकदम, ये रेडी है खाने के लिए। ऐसे मैं प्याज इसमें डाली नहीं हूँ, आप चाहे तो ऐसे प्याज की स्लाइस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो खाना चाहे खाए। और ये नींबू, ऊपर से नींबू डाल दे रहे हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। आपको अगर पसंद आती है चने की रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।